हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें हम न्यूटन कोट्स फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले दो वीडियोज़ में हमने ट्रेप जोल्डर और सिम्पसन वन थर्ड को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज शुरू करते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया रहेगा, और फंक्शन में क्या दी रहती है, हमारे पास लिमिट दी रहती है। तो लिमिट हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमको x0 से लेकर x0+nh तक दी हुई है, या फिर हम इसको a से लेकर b तक भी मान सकते हैं। फंक्शन हमको क्या दिया रहता है, x का इक्वल। अब फॉर्मूले के बारे में बात करें तो जैसे 1/3 का था तो वहाँ पे h/3 था, मीन्स 1/3 लिखते थे। अब ये 3/8 है, इसलिए एच तो आता ही आता है, लेकिन साथ में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में 8 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट, पहला टर्म हम हमेशा क्या लिखते हुए आए हैं, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। तो जो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू y0 और लास्ट वैल्यू yn प्लस। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे जो टर्म आएगी वो दो दो के पेयर में आएगी। तो पेयर कैसे बनेगा, y1+y2 बनेगा प्लस। अब देखिए, दो का पेयर बन गया, y1 y2 हो गया, क्या छूटेगा, y3 छूटेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y3 छूट गया है। इसके बाद क्या आएगा, y4 आएगा और y5 आएगा प्लस, फिर क्या छूट जाएगा, y6 छूट जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे, प्लस लास्ट में क्या जाएगा, yn-2 प्लस yn-1। इसके बाद अगला जो टर्म आएगा उसमें प्लस करना है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ से छूट गए थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे क्या छूट गया है, y3 छूट गया है प्लस y6 छूट गया है प्लस। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा yn-3 तक। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड 0 to 6 e raised to x / 1+x dx approximately using 3/8 rule। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको n की वैल्यू नहीं दी है, तब सब इंटरवल्स हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, जिससे कि इजीली 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि n इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और यदि हम h की वैल्यू निकालते हैं तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही हुआ है कि जो अपर लिमिट रहती है उसको माइनस करते हैं लोअर लिमिट से, डिवाइडेड बाय कर देते हैं n। तो हम यहाँ पे h निकाल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6 - 0/6, क्या निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। अब इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो पहला कॉलम x का बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगी x0, कहाँ शुरुआत होगी, 0 से। अब इसमें हम h को प्लस करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह आपके पास x4, x5 और x6 तक की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालना है, तो y का हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, e^x 1+x यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे y0, है ना। तो y0 निकालने का मतलब क्या है कि हम y0 अगर निकालना चाहते हैं तो e की पावर x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू किसकी रखेंगे, x0 की, डिवाइडेड बाय 1+x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, x0 की। तब e की पावर x0, x0 कितना दिया हुआ है, 0, और 1+x0 0, e की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और 1+0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये टोटल कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे y1 निकालेंगे, इसका मतलब e की पावर x 1 रहेगा, 1+ यहाँ पे भी x 1 रहेगा, e की पावर x 1 है, तो x 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1+x1 तो ये भी कितना है, 1 है। अब e की पावर 1 कितना होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो फ्रेंड्स, ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसकी मदद से हम e^2 वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रही होगी ln की, यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से एक बटन दिखाई दे रही है ln, और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है e^x। ठीक है, तो यदि हम डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्या लेकर आएगा, ln लेकर आएगा।
यदि हमको ई चाहिए तो यहाँ पर एक बटन है शिफ्ट की, शिफ्ट की बटन दबाने के बाद आप इस एल एन की बटन दबाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ई एक्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे हमको ई मिल गया, क्योंकि हमने शिफ्ट के साथ एल एन बटन को प्रेस किया है तो हमको क्या मिला, ई मिला। अब हमको क्या निकालना है, ई की पावर 1 लिखा है, तो यहाँ पे पावर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वो कांस्टेंट प्रेस करना है जिसके लिए वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, E1। इसका मतलब ये होता है ई रेस टू 1। इक्वल आपने किया तो आपको क्या मिला, 2.71 मिला है। डिवाइड किससे करोगे, 1 + 1 दैट मीन्स 2 से करोगे, तो डिवाइड हमने कर दिया 2 से, तो आंसर क्या आया आपके पास, 1.359। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Y1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1.359। ओके, इसी तरह जब आप Y2 निकालोगे तो Y2 निकालने का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे e रेस टू X2 लिखोगे और डिवाइडेड बाय 1 + X2 लिखोगे। e रेस टू X2, X2 की वैल्यू कितनी है, 2, डिवाइडेड बाय 1 + 2, दैट मीन्स e 2 निकालना है और डिवाइड करना है 3 से, तो हम वो कर लेते हैं, तब यहाँ पे e आ गया। और फिर e के बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ पे 2 आ गया, E2 इक्वल किया और डिवाइड करते हैं कितने, 1 + 2 से, तो 3 कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.463, 2.463। इसी तरह आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, तो मैं आप लिख देता हूँ Y3 आप निकालेंगे तो वैल्यू आपके पास आ रही है 5.021। Y4 के लिए वैल्यू आ रही है 10.919। Y5 की वैल्यू है 24.736 और Y6 की वैल्यू है 57.636। अब इन सब वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाय सिम्पसन 38 रूल, क्या दिया हुआ है, 0 to 6 e रेज टू x 1 + x dx। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 3h y 8, फर्स्ट वैल्यू है y0, लास्ट वैल्यू है y6 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3, दो दो की टर्म आएगी तो क्या जाएगा, y1 + y3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, y0 और y6 ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अब बीच में क्या क्या बचा है, इतनी टर्म बची है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 से लेकर y5 तक, अब दो दो के टर्म आएगा तो y1 आ गया और y2 आ गया, y1 + y2 हो गया, उसके बाद y3 यहाँ पे छूट जाएगा, फिर क्या आएगा, y4 y5, तो यहाँ पे आ गया y4 + y5 प्लस, अब 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, जो बीच में छूट जाते हैं, जैसे y1 y2 के बाद क्या छूटा है, y3 छूटा है, तो बस y3 एक टर्म छूटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, y3 आ गया। ठीक है, y6 यहाँ पे छूटा नहीं हुआ है क्योंकि वो हमने पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × h की वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पर आ गया 8, y0 की वैल्यू कितनी है, 1 + y6 की वैल्यू है 57.636 + 3, y1 की वैल्यू 1.359 प्लस y2 की वैल्यू है 2.463 प्लस y4 की वैल्यू है 10.919 प्लस y5 की वैल्यू है 24.736 प्लस 2, y3 की वैल्यू कितनी है 5.021। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, ये सब यहाँ पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई 3 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, और सब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 से होगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये निकल कर आ रही है 70.166, यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज की वीडियो बस इतना ही, जिसमें हमने देखा है सिम्पसन 3/8 रूल, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेडल्स रूल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।